कैथल की शक्ति नगर में शिव कॉलोनी में एक मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि पड़ोस वालों ने इसकी सूचना जब मालिक को दी तो मालिक ने पुलिस विभाग और दमकल विभाग को फोन करके मौके पर बुलाया, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक के अनुसार 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सर ऐसा है, घर सोए पड़े थे जी, अचानक किसी ने फोन करा भी आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है जी, है जी, और आग भी इतनी भयंकर है, इसीलिए सारे के सारे भाग के दौड़े आए जी, तभी से गड्डियाँ बुलाई हैं जी, ये चौथी गड्डी आ रही है सर, और ये पीछे से भी बिल्डिंग सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जी, सारा जितना सामान था जितना जो चीज़ था सर सारा कुछ ख़त्म हो गया जी। क्या चीज़ बनाते थे आप? यहाँ मिठाई ये बनती थी जी, पतीसा वगैरह, पतासे जो लैसी दाना पतीसा का, यह मेन काम थे जी। ये हमारे थाने में फ़ोन गया था कि अभी शिवनगर शमशान घाट के सामने यहाँ पे गोदाम में आग लगी है, पतीसा फैक्ट्री का गोदाम है, तो इसमें आग लगी है, तो मैंने मौके पे आकर पहुँच के देखा तो यहाँ पर मतलब फायर ब्रिगेड वगैरह गाड़ियाँ आई थी और काफ़ी काबू पा लिया था आग पे, बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है। मालिक ने अभी एस्टिमेट नहीं दिया है, इसके बारे में अभी बताएँगे, उनसे एप्लीकेशन लेंगे, जैसे भी होगी उचित कार्रवाई करेंगे।